आरिफ लोहार साहब से भी हमारी बात हुई, उनके बच्चे, आप उनके साथ मौजूद रहते हैं, उनके बच्चे इस वक्त किस कैफियत में है? यकीनन उनकी वालदा इतनी छोटी उम्र में उनके उनसे बिछड़ कर चली गई हैं, और एक मुबारक महीने और शब कदर के मौका पर उनकी डेथ हुई है। बच्चों से बात हुई, बच्चे जो बड़ा बेटा है अली, वो तो माशाल्लाह थोड़ा सा सेंसेबल है, सारी तदफीन का उसी ने सारा आरिफ भाई के साथ मिल के किया। दो छोटे आमिर और लड्डू जैसे हम बोलते हैं, वो तो समझ में ही नहीं आ पा रहे, खो बैठे हैं, सेंसेस में नहीं है। और आरिफ भाई खुद भी, हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। लड्डू का तो बहुत अटैचमेंट थी, जाहिर बात है बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही प्यार करता है, लेकिन भाजन के एक बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप के, क्योंकि भाजन ने जो किया उसका रिवॉर्ड वो ले रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे इस तरह से अटैच है कि हम लोग भी सरप्राइज होते हैं समटाइम कि यार इतना प्यार माशाल्लाह बच्चों का अपनी माँ से अपने बाप से। तो बच्चे तो अभी हमें, बल्कि सब लोगों से दुआ की अपील है कि सब लोग दुआ करें जिस हद तक उनकी मगफरत के लिए, बच्चों के लिए अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे। आरिफ भाई को भी, बच्चों को भी, जितने भी चाहने वाले आरिफ भाई के, सबसे हम अपील करते हैं कि उनके लिए जो है ना दुआ की जाए। बच्चे इस वक्त हमारी समझ से बाहर आए, जो उनकी कंडीशन है जिस तरह से है, हम लोग उन्हें फेस नहीं कर पा रहे एक्चुअली। चलिए, अल्लाह ताला सब्र दे आपको भी, आरिफ साहब को भी, और इनके बच्चों को भी। और व्यूवर्स, ये एक मुश्किल लम्हा है इस फैमिली के लिए और तमाम मदाहों के लिए भी। तो आज की वीडियो के ज़रिए इसी दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद करे।